फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा बास्केटबॉल थाईलैंड लीग का बीडीआर वर्सेस टीआरएक्स के बीच 1 घंटे 50 मिनट बाद। बात करूं भाइयों इसकी फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एबीरॉक्स ड्रीम इलेवन टीम्स। पिछली मैं बास्केटबॉल की टीम इसलिए नहीं दे पाया था, इनकी लाइनअप्स लेट हो गई थी, तो लाइनअप्स लेट होने के कारण मैंने कहा कि भाइयों अगर मैं अब टीम देता हूं तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैंने लाइनअप्स आपको दे दी थी जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ता हूं भाइयों, सबसे पहले बात कर लूँ अगर मैं इस मैच की, तो मैच काफ़ी अच्छा है और चैनल पे फटाफट जुड़ो, आपको नाम दिखा दिया है और आप इसमें लेस इन्वेस्टमेंट के साथ हेड टू हेड 3 मेंबर एंड 4 मेंबर खेल सकते हैं। लिटिल बिट रिस्की मैच है थोड़ा। बात करूँ पॉइंट गार्ड की तो यहाँ से लूँगा सी अनंती को। तो सी अनंती जैसे कि आप देख सकते हैं 15 अगस्त के मैच में 40 पॉइंट मार के गया। प्लेयर बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, प्लेयर तो बहुत ही अच्छा है। बाकी अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो इस प्लेयर को ट्राई करना मत भूलना, जिसका नाम है टी हेजलबर्ग, जो कि मैं आपको बता दूँ टी हेजलबेकर जो कि भाइयों ग्रैंड लीग पिक है। मैं ये नहीं कहता कि चलेगा ही चलेगा, मैं ये भी नहीं कहता कि लो जाएगा, ये ना अराउंड 20-25 पॉइंट मारने की हिम्मत रखता है। आगे से अगर मैं बात करूँ शूटिंग गार्ड की तो यहाँ से लूँगा भाइयों नीतिश पैथ को, जो कि मैं आपको बता दूँ प्रीवियस मैच में ये बंदा अल्ट्रा फ्लॉप हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे भाइयों अल्ट्रा फ्लॉप हुआ तो आपने क्यों लिया। एक्चुअली भाइयों पिछले मैच में ये आई थिंक लाइनअप्स में नहीं था, आई थिंक मतलब मैं लाइनअप्स में तो था लेकिन ओपनिंग फाइव तो ये आता ही नहीं, क्योंकि इसको भेज ही नहीं सकते, इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। बाकी अगर ये लाइनअप्स में ना हुआ तो मैं ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए भाइयों मजबूरी में समझिए क्योंकि हमें इसके साथ जाना पड़ेगा। और कोई आप जो मर्जी प्लेयर ढूंढ लो, आपको और कोई बेस्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये ना एंड में प्रॉब्लम कर रही है लीग जैसे कि आप देख ही सकते हैं, तो एंड में आके हमारा बटन यही दबना है। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा भाई टी वैंक को। तो टी वैंक की क्या खासियत है, ये ना लो प्लेयर है काफ़ी 4 क्रेडिट का, तो लेकिन आराम से आपको कुछ ना कुछ पॉइंट मतलब 5 पॉइंट 6 पॉइंट इतने दे पाएगा, उम्मीद ज़्यादा मत रखना। बात करूँ स्मॉल फॉरवर्ड की तो यहाँ से लूँगा डब्ल्यू बुनैक को। डब्ल्यू बुनैक भाइयों टॉप का प्लेयर, अराउंड 25 से 30 पॉइंट हर मैच में देने की क्षमता रखता है। और भाइयों अगर आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा पी टैकमैन को, जो कि मैं आपको बता दूं ये भी 15 अगस्त के मैच में, 15 अगस्त को जितने मैचेस होते थे काफ़ी बढ़िया ही गए थे बास्केटबॉल के, तो आप देख ही सकते हैं अच्छा खेल के गए हैं सारे प्लेयर्स। आगे से बात करूं पावर फॉरवर्ड की दो डब्ल्यू डेसम, इसके बारे में भाइयों जितना बोलूं उतना कम, ये प्लेयर अल्ट्रा क्लीन स्वीप मरवाने की दम रखता है, क्योंकि ये बंदा एक बार आपने देखा होगा 13 अगस्त लगातार मैचेस होते हैं इनके, 13 अगस्त 70 पॉइंट्स, 16 53, 18 अगस्त में 40 और 20 अगस्त के मैच में इसने 39 पॉइंट्स, मतलब 40 अबव इस बंदे ने रहना है, अराउंड 40 रहता ही रहता है। आगे से बात करूँ सेंटर की तो एक और टॉप का प्लेयर डी एंजेलो हैमिल्टन, जो कि ये बंदा भी ओपनिंग फाइव में आता है, लाइनअप्स में तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर बंदा ओपनिंग फाइव में है तो लाइनअप्स में है ही। और पिछले मैच में जब इसकी 23% सिलेक्शन थी और ये मेरा वीसी था मींस वाइस कैप्टन, तो आप खुद समझ ही सकते हैं क्या क्लीन स्वीप लगी होगी। और आगे से बात करूँ यहाँ सुनूंगा कि पीएल गेंका को, ये भी यार थोड़ा रिस्की पिक है, रिस्क मैंने इसलिए लिया क्योंकि सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो आगे से अगर मैं बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन मेरा रहेगा डब्ल्यू डेसम और वाइस कैप्टन डी एंजेलो, जो कि मैं आपको बता दूँगा डब्ल्यू डेसम एंड डी एंजेलो की जोड़ी बढ़िया है, दोनों बढ़िया खेलते हैं। तो ये रही मेरी कुछ टीम, बाकी फाइनल टीम अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।